रिश्तों को मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो आज के शो में मैं आपको वेलकम करूँगी और आज का शो जो है ना मेरा अगर आप चाहते हैं कि बहुत तरद्दुद नहीं होता बहुत मेहनत नहीं होती बहुत कुछ करके देख लिया बल्कि सभी कुछ करके देख लिया वज़न कम नहीं होता तो आपने शो मिस नहीं करना इसलिए कि आज हम इस मसले के उन एंगल्स पे बात करेंगे जो हमसे नज़रअंदाज हो जाते हैं डाइट हर कोई आपको बताना शुरू कर देता है एक ब्रेड स्लाइस का उसके साथ एक अंडा उसके साथ एक कप जो है वो चाय का जिसमें चीनी बहुत कम हो दोपहर को आपने कुछ सैलड्स में खा लेना है उसके बाद रात में आपने जो है वो कुछ प्रोटीन में लेना है कोशिश कीजिए फिश का एक वो हो जाए या फिर गोश्त हो जाए सब ठीक है आपको वाकई अपने ग़िज़ा का ख्याल रखना होता है खुराक का ख्याल रखना होता है आप कितना खाते हैं आप क्या खाते हैं आप किस वक्त खाते हैं ये तीन चीज़ें हैं जो खाने में आपने मॉनिटर करनी है कितना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो इस प्रेफरेंस में अगर आप अपनी डाइट को मैनेज कर चुके हैं और उसके बाद आपने अपने आप को चहलकदमी हो गई या फिर वॉक्स हो गई या फिर वेट ट्रेनिंग्स हो गई एक्सरसाइजेज हो गई योगा हो गई हर किस्म की वर्जिशें जो है वो भी करके देखनी है लेकिन आपको लगता है कि यार ये शायद थोड़ा सा सिरका था लेकिन अब एक जगह पे आके फिर वज़न फंस गया है या आपको हमेशा किसी और को देखकर ये एहसास होता है कि अल्लाह मैं दुबली क्यों नहीं हो रही या कोई इवेंट आने वाला है और ये टेंशन सर पे सवार है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर मेरा वज़न जो है वो कम नहीं हुआ तो आज का प्रोग्राम आपने देखना इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी का महवर और मरकज़ जो है वो एक है जिसे हम कहते हैं दिमाग हमारी पूरी की पूरा जिस्म ऑपरेट इस दिमाग से होता है और ये दिमाग जो है ये अपने अंदर एक पूरी साइंस है और इस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमने अपने बदन को मैनेज करना है अपने जिस्म को मैनेज करना है सो आज हम आपको वज़न कंट्रोल करना जो है वो अपने जहन को अपने दिमाग को कंट्रोल करने के हवाले से बताएंगे क्योंकि जब तक आप अपने आप को मेंटली टफ नहीं करेंगे तो भले वो कोई खेल का मैदान हो भले वो कोई प्रोफेशनल जॉब हो कोई एरिया हो जहाँ आपने परफॉर्म करना है या इस तरह के टास्क हैं कि अपनी वेलबींग से लेकर तो अपनी फिटनेस तक और अपनी हैप्पीनेस से लेकर तो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस तक कुछ भी नहीं हो सकेगा इससे कि ये सब चीज़ें मुमकिन हैं जब हम एक अच्छे मेंटली टफ होते हैं और हमें पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है आपको पता है डिप्रेशन बहुत बड़ी वजह है उन खवातीन में जो कि वज़न जिनका बढ़ जाता है और जिनका बढ़ा हुआ वज़न कम नहीं हो रहा होता खैर सारा कुछ तो मुझे ऑब्वियसली नहीं इल्म और ये वो सब टिटबिट्स हैं जो कि मैंने भी सीखी हैं सुनी हैं और आपके साथ कन्वे कर रही हूँ लेकिन आज एक्सप्लेन में बताने के लिए और तफसील में बताने के लिए हमने यहाँ पर अपने एक मेहमान को मदु किया है जिससे मिलकर आपको खुशी होगी वो आपको तफसीलन आपके बढ़े हुए वज़न का हल जो है वो बताएंगे कि वह पेंसिल कॉपी अगर आपके मोबाइल्स हैं तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहें प्रोग्राम जो है उसको मिस नहीं करना इसलिए कि मैं चाहती हूँ बहुत सारी खवातीन मुझसे मिलती हैं ना तो एक ही सवाल करती हैं आपने अपना वज़न कैसे मैनेज किया है और यकीन करें मेरे पास कोई अगर हार्ड फास्ट लिखा हुआ रूल हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये किया और ये किया और ये किया हकीकत यह है कि शुक्र है अल्लाह का कि मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो मैं कोई जिम फ्रीक हूँ कि जो रोज़ाना जिम जा रहा होता है और बड़ा ही उसके मामले में परसिस्टेंट भी होता है और पैशनेट भी होता है मेरा ख्याल है मुझे कोई 3-4 साल हो गए हैं जिम की शक्ल देखे हुए अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत वॉक्स एंड बहुत इस तरह की चीज़ें तो वो भी सही नहीं है हाँ लेकिन कुछ बातें ज़रूर हैं जिनका मैं ख्याल रखती हूँ जिसमें से एक मैंने खाने वाला आपको बता दिया उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी लेकिन वेलकम मेरे आज के मेहमान को कीजिए कि जो बहुत टाइम के परसों के बाद वो आज हमारे शो में यहाँ पर आए हैं आपकी उनसे मुलाकात शायद 12 मुख्तलिफ चैनल्स पर हो चुकी होगी ही इज़ अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हु ट्रीट्स डिफरेंट जो हमारे होते हैं ना इशूज़ वो हमारे मेंटल ब्लॉक्स जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं और आज जिस मेंटल ब्लॉक के बारे में बात होगी उनसे वो खास तौर पे है वज़न का कम करना सो उसके लिए मैं यहाँ पे दावत दूंगी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ अस्सलाम वालेकुम
डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत खैरियत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, आज आपने भी काले रंग का लिबास पहना, मैंने भी, क्योंकि मुझे था वजन, तो वजन कम दिखना चाहिए, सो मैंने कहा ब्लैक कलर पहनने से शायद वजन थोड़ा कम लगता है। ऐसा प्रॉब्ली बाई चांस हुआ हो, राइट, इंट्यूटिव हुआ हो। ब्लैक मुझे वैसे पसंद भी है, ब्लू एंड ब्लैक मेरा पसंद है। कलर्स वजन के ऊपर इस हद तक अंदाज हो सकते हैं कि अगर ये आपकी कैफियत को बेहतर करें, ठीक है, लेकिन अगर खाली कलर पहनने से अगर वजन कम, हर कलर खूबसूरत है और हर कलर एडजस्ट होता है, और कलर तो यहाँ पर भी है ना। ब्लैक कलर को हम किसी भी एस्पेक्ट से प्रोसेस कर सकते हैं, और गुलाफे काबा भी ब्लैक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम ये कहते हैं कि इसको कोई काली चीज से नजर लग गई है, नजर उतारने के लिए काला टीका लगा। बिल्कुल सही, काली रास्ता काट गई है, उसको भी काटने के लिए काली काले जो है वो टीका जो है वो लगा दो। तो ये फैक्ट है कि हम रंगों को कैसे प्रोसेस करते हैं, जो बहुत ही अहम। बिल्कुल सही, लेकिन आज आपको ना बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। पहले मैं मेहमानों को सबको बुला लूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू जो है प्रोग्राम का पता चल जाए। अब हम वेलकम कहेंगे अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, प्लीज ज्वाइन मी फजीला मेहदी। भाई ये मसला सिर्फ खवातीन के साथ मखसूस है कि मर्द भी इतने ही अपने बारे में वो होते हैं कॉन्शियस, बड़े हुए पेट से, बड़े हुए पेट से अगर नहीं है तो उनको अब होना चाहिए, होना चाहिए मेरा ख्याल है। और क्योंकि अब ये आप देखिए कि ऑफिस जॉब्स की वजह से और ऑफिस जॉब्स ये सब चीज़ें अब इतनी बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है। पहले जो इंसान अगर कोई ऑफिस में है उसे एक फाइल लेने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट जाना होता था, अब क्या होता है बस ईमेल के थ्रू, इंटरकॉम के थ्रू नीचे हो गया, आपने ईमेल के थ्रू यहाँ से ये मंगवा लिया, वहाँ से वो कर लिया। तो टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है और इंसान स्लो होते जा रहे हैं, इसीलिए मोटे भी होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। तो आज हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह से बहुत एक्सरसाइजेज ना भी करें आप, तो भी आप अपना वजन जो है वो कम कर लेंगे आसानी के साथ, सहूलियत के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिनके बारे में शायद आपने सोचा नहीं। आज हम आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा आई विल ऑल्सो शेयर फ्यू थिंग्स जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरी अगली जो मेहमान है वेल नोन हर्बलिस्ट, जो कि आपको बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में बताएंगी जिनको अगर आप अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें तो दैट विल हेल्प। प्लीज वेलकम उम्मीद राहील। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी चीज़ों की तरफ तो जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपना बता दीजिए कि वो क्या है जिसको इस्तेमाल करके आप दिन ब दिन स्लिम, स्मार्ट, हसीन, जवान होती जा रही है। मोहब्बत है वो तो है ही, वो तो है ही, बस ये आपकी मोहब्बत है। नहीं, लेकिन उसके अलावा माशाल्लाह केयर करना ज़रूरी है, ठीक है, और जो हमारा काम है अगर हम केयर नहीं करेंगे तो लोग हमारी बात पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे पास जो 80% लोग हैं वो आते हैं वेट के लिए, बाकी स्किन के हवाले से 90% पिगमेंटेशन के लिए, वो पहले आते ही मुझे देखते हैं कि आपका ये क्यों हुआ, आपका वो क्यों हुआ, तो मुझे उनके लिए अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने अपनी पर्सनल टिप्स भी बतानी है। बिल्कुल, जो आप वहाँ पे बताएंगी ना उसमें आज मैं आपको पूछ के बताऊंगी ज़बरदस्ती कि उम्र आहिल आपको कुछ अपनी लाइफ रूटीन जो है वो चीज़ें भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ़ रखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़न भले वो किसी का, या वज़न से चले उर्दू में हम कहेंगे ना वेट, भले किसी का करना पड़े या अपना करना पड़े, दोनों ही बड़ी तकलीफ दे बातें ऐसे ही। तो क्यों वजन बढ़ता है आपके हाल में, व्हाट आर द रीजंस? अच्छा देखें, वजन बढ़ने के कुछ बड़े बेसिक नुस्खे हैं। अगर हम ये जान लें कि हम जब पैदा हुए थे तो हम फितरत के ऊपर पैदा हुए थे, और उसकी एग्जांपल बहुत आसानी से ये है कि एक पैदा हुए हुए बच्चे को आप एक घूंट एक्स्ट्रा दूध की नहीं पिला सकते, पैदा हुए हुए बच्चे को, ओके, अगर आप उसको ज़रा से भी कुछ देने की कोशिश करें करके वो बाहर निकाल देगा। क्योंकि उसका मतलब है फितरत का निज़ाम ये था कि जब आपका मैदा 70% फुल हो जाए, नॉट 100%, 70% फुल हो जाए, एक सिग्नल जाता है यहाँ पे और कहता है स्टॉप, और इंसान को वहाँ पे रुक जाना चाहिए। और वो यही बच्चे का हमारा निज़ाम होता था जब हम आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस में और अपनी आदत के अंदर और अपने उस गैर फितरी जिसे कहना चाहिए तर्ज ज़िंदगी के ऊपर इतना मसरूफ हो गया कि हमने वो सिग्नल बाईपास करना शुरू कर दिया, और अब हम जब रुकते हैं जब यहाँ आ जाता है, राइट, जब यहाँ रुकते हैं जब यहाँ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने उस सिस्टम को खुद पहले जो है वो बिगाड़ दिया। दूसरी बात ये कि अगेन मैं बच्चे की इसलिए बात करूँगा, आप बच्चा बड़ा हसास होता है हर हवास के अंदर, आप ज़रा सी भी उसको स्मेल आएगी ना मुँह बना लेगा, राइट। अच्छा, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड खा रहे हैं कि हमारा मुँह ही नहीं बनता, राइट, या हम अपने
ऐसे खा रहे हैं, या हम बातों में खा रहे हैं, या हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं, तो हमारा है। हमें हमारी ये हिस्से खत्म हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाक को मुंह के ऊपर इसलिए बनाया था कि जिस चीज को अंदर दाखिल नहीं होना है उसको रोक देना है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उस स्टाइल की वजह से हमने ओवर ईटिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, ये हमने किया, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि इमोशंस, हमारी जो भूख है वो दो तरीके की, एक जिस्मानी जरूरत है, एक जज्बाती जरूरत। भूख की अच्छा, जज्बाती जरूरत का इलाज हम भूख खाने से कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। और आप इसका इजीएस्ट एग्जांपल देखें, मूवी देखते हुए आपको इतने बड़ा सोडा और इतना बड़ा पॉपकॉर्न और चिप्स दिया जाता है, इसी तरह आप जब काउच के ऊपर बैठे हुए कोई देख रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता आप चपर चपा रहे होते। जिस्म का बड़ा सिंपल निज़ाम है, अगर जिस्मानी जरूरत नहीं है और उसमें आप कुछ भी डालेंगे उसको जिस्म में रुकना है और उसको हजम होने में बहुत टाइम लगाना है, ठीक है। और जो हजम नहीं होता वो फिर कुछ ऐसे इलाकों के अंदर जिस्म पे रुक जाता है जिसके अंदर कांधे हैं, हमारा पेट है, हमारे हिप्स हैं, ऐसी जगहों के ऊपर वो रुका हुआ होता है फैट्स की सूरत में, जिसको हम जिद्दी फैट्स कहते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं थी आपने उसको डाला है। अगर जरूरत होती तो निजामे हाजमा आप उसको चला देता। बिल्कुल सही। अब ये तो हम आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ बहुत सारी टिप्स भी देंगे आज, उसके लिए आपको रुकना है हमारे साथ। ब्रेक के लिए हम रुकते रहेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड टू APlus, विल बी बैक। खुशामदीद, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसलिए वो सारी खवातीन जो हमें काफी अरसे से लिख रही हैं, भाई बहुत गानों के शोज हो गए, अब आप रहने दीजिए, अब आप हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव शो दें। आज वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जो आपने मिस नहीं करनी है। डॉक्टर इमरान बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि सारे सवाल उनसे पूछूं, अगर फिर भी कुछ रह जाए ना तो आप हमारा फैन पेज अगर जानते हैं एक नई सुबह, फौरन से सवाल जो है वो लिख दीजिए। मैं ब्रेक में चेक करूंगी अपने फ़ोन पे आपके सवाल और यकीन कीजिए नेक्स्ट ब्रेक में वो शामिल होंगे। सो अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है तो आप हमें लिख भेजिए। अरे डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सेंसलेस ईटिंग, सेंसलेस जब आप बगैर सोचे समझे खाते हैं, एक तो ये वजह, और उसका ऑपोजिट आज हम सिखाएंगे कि इसकी इलाज क्या है या रेमेडी क्या है, माइंडफुल ईटिंग। क्या कैसे करें माइंडफुल ईटिंग? देखिए, माइंडफुल ईटिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे हवास जो है वो देखना, इसका मतलब ये है कि देखना जरूरी है, यानी जब आपने ये निवाला लिया है, कोई भी आपने निवाला उठाया है तो इसका देखना जरूरी है। दूसरी बात ये कि इसको जब करीब आए तो अगर उसमें से आपको कोई स्मेल नहीं आ रही, प्लीज पॉज, देख प्लीज पॉज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर निवाला सूंघे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ये सोचें कि अगर मुझे उस खाने की स्मेल ही नहीं आ रही तो ये मेरे सारे फिल्टर जागेंगे कैसे, ये केमिकल्स मेरे जागेंगे कैसे, जिसको इसने डाइल्यूट भी करना है और फिर यहाँ तक हजम भी कराना है, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा मैदा है ना, इसका साइज है ये मुट्ठी, हर इंसान के मैदे का जो साइज है उसकी अपनी ये मुट्ठी का ये साइज होता है। अच्छा, अगर ये सारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर ये दोनों हाथों को मैं ऐसे चलाना शुरू करूँ, ठीक है, राइट, तो आप अगर आपके नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, हाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद भी अगर चाहो बेटा तो आप ये सिर्फ ये देखें कि आपको ये मालूम है कि अगर ये क्या ये कितना प्रेशर है, कितनी फीलिंग है, कितनी गरारी है, आपके मैदे के अंदर जो गरारियां हैं जिसको इस मैदे को इस खाने को गलाना है, उसकी सलाहियत इतनी ही है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि अगर आपके घर के अंदर किचन में ग्राइंडर है दाल पीसने का और उसमें आप बड़ा गोश्त डालें और उसको चलाने की कोशिश करें तो उस ग्राइंडर का क्या हाल होगा, बिल्कुल, उसको कितना टाइम लगेगा उसको कीमा बनाने के लिए और उसको डिसॉल्व करने के लिए वो कितना थक चुका होगा। यही काम अपने इस मैदे के साथ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दांत दिए थे ये काम करने के लिए, ठीक है, कि हमें दांत इसलिए दिए थे कि जब आप ये निवाला मुंह में रखें तो इसको 10 से 12 दफा आपने यहाँ ग्राइंड करना है, इसको इतने छोटे पीसेस यहाँ बनाने हैं कि ये आसानी से उतरे और बाकी जो इसके अंदर से एनर्जी निकालनी है और वेस्ट बाहर भेजना है वो काम मैदा करे। लेकिन हमने क्या किया, दांतों के इस्तेमाल तो किया ही नहीं, ठीक है। तो अब जब आप ये सारी चीजें यहाँ उतार रहे हैं और ये मैदा जो है, यकीन माने ये मैदा कल का भी काम कर रहा होता है बेचारा, यानी कल का खाना भी हजम नहीं हुआ, आपने सुबह फिर और डाल दिया, दोपहर को आपने फिर और डाल दिया, शादी के अंदर रात को गए खाना देर से खुला, लिफाफा आपने ज्यादा बड़ा दिया था, आपने लिफाफा पूरा करने के लिए बेहिसाब और जो है वो डाल दिया, तो ये मैदा जो है ये कैसे उसको हल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखना है, देखने के बाद इसको चबाना है, चबाने के बाद इसको नीचे उतारना, और जब आप मुझे बताओगे तो मैं आपको तरीका पूरा बताऊंगा कि ये प्रोसेस हम किस तरह करेंगे। हाँ। और इसमें और मजीद हम क्या चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, प्लीज प्रोसेस बताइए ना। अच्छा, अभी मैं बता दूं, अच्छा ये आपने सही बात की, मैं खुद बहुत स्लो ईटर हूं, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ती थी डॉक्टर साहब इससे कि वो प्लेट में जब आप इतना आराम से खाते, सब लोग खा चुके होते हैं उमेरा ही, और बाजू का मेरी अम्मा मुझे कहती थी वो प्लेट में बच जाता था क्योंकि आप बाय द मिड आपको कहते हैं बस काफी हो गया। देखिए,
एक बात ये है कि हमें ये सिखाया ये गया कि आप छोटा पोर्शन निकालें, थोड़ा निकालें वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा निकालें, ये सबसे पहले हमें सीखना चाहिए। और अगर आपने ये ज़्यादा निकाल लिया है और अगर आप ये समझते हैं कि ये रिस्क ज़ाया हो जाएगा और अल्लाह ताला नाराज़ होगा, ये गलत है, ये दीन के हिसाब से भी गलत है। इसलिए कि वो खाना जो मुझे नहीं चाहिए वो जब मैं जिस्म में डालूंगा तो मेरा ये पूरा जिस्म बीमार होगा, जिससे अल्लाह ज़रूर बहुत नाराज़ होगा। बिल्कुल सही, इससे अल्लाह बहुत नाराज़ होगा। तो एक बात ये है कि क्या मैं खाना ज़ाया कर दूँ या मैं खुद को ज़ाया करूँ, गुनाह वो भी है। इससे बड़ा गुना ये है कि मैं खुद को ज़ाया करूँ, इससे बड़ा गुना ये है कि मैं खुद को बर्बाद करूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये हमें छोटे पोर्शन निकालने। वालदा का एहतराम हर हाल में होगा, लेकिन दीन ने अगर ये कहा कि आप स्लो खाओ, साइंस ने अगर ये कहा कि स्लो खाओ, अकल सेहत ने ये कहा स्लो खाओ, तो वालदा का एहतराम हमेशा रहेगा। और वो लेकिन सुननी होगी। अक्सर वो खातिन जो समझती हैं बच्चे ने छोड़ा तो वो भी मैं खा लूँ, ज़ाया ना हो, मुझे उसका सवाब मिलेगा, मियाँ की प्लेट में कुछ बचा है तो मैं भी वो भी प्लेट। मैं ज़ाती तौर पर समझती, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि देखें दो ही हमारे पास उसूल है ना, या तो दीन बता दें हमें क्या सही है क्या गलत है, या तहकीक बता दें। अगर दीन भी कह रहा है कि ये गलत है, साइंस भी कह रहा है ये गलत है, तो फिर अखबार की खबर के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए, खुप्पी के नुस्खे पे अमल नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है ना, अल्लाह ने आपको अकल दी है कि मुझे वो खाना जिसकी मेरे जिस्म में जरूरत नहीं है वो मुझे नहीं डालना है। देखें जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आपका एक तहाई मैदा खाली हो तो छोड़ दें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने अब आपसे माइंडफुल ईटिंग के तरीके पूछने हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी रोल मॉडल को बुलाने जा रही हूँ कि जिन्होंने अपना वजन बहुत कामयाबी के साथ कम किया। कैसे कम किया ये वो आएंगी तो हमारे साथ शेयर करेंगी। प्लीज वेलकम शांजे। सफर और कितने अरसे में? तकरीबन सवा साल हम कह रहे हैं, कम है सवा से, लेकिन एक साल दो महीने में। और ये इसमें कोई एक्सरसाइज को बहुत काम सारे थी, एक्सरसाइज, क्लीन ईटिंग, स्टार्विंग नहीं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि माइंड ओवर मैटर होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो आई लेट यू नो इन डिटेल। बिल्कुल सही है, लेकिन ये तस्वीरें आपकी चल रही हैं और आप अपने आप को पहले कैसे महसूस करते थी और अब क्या आपको फील होता है? हेल्दी, अब एक्टिव। देखिए, आई एम ब्यूटीफुल इन एनी साइज, एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल इन एनी साइज, देयर इज नो डाउट। लेकिन सेहत नहीं है, सेहत। देखिए, जब तक मुझे पंप ये किया जाता था कि रिश्ते नहीं मिलेंगे, लड़कियों को रिजेक्शन होता है, तुम अपने साथ क्या कर रही हो, मतलब मेरी काबिलियत, मेरा करियर, एवरी थिंग वॉज पुट असाइड, माई लुक्स वर मोर इम्पॉर्टेंट, कि जी मेरा वेट वॉज टेकिंग ओवर। ये शांजे आप हैं वाइट ड्रेस? जी शांजे, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये वाकई आप हैं? जी भाई, इज दैट यू? दैट्स नवंबर 2017 एंड दिस इज मार्च दिस ईयर। नवंबर 2017 में वाइट ड्रेस में है शांजे, और जो काला इन्होंने लिबास पहना हुआ है ये कब का है? ये मार्च 2019। सो ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अगर शांजे कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उस पर। शांजे प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा, एंड अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी स्टोरी पे आती हूँ तफसीलन, लेकिन डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मधुरी बात मुकम्मल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब माइंडफुल ईटिंग कैसे करें। देखिए, माइंडफुल ईटिंग जैसे मैंने आपको कहा कि उसका बहुत आसान तरीका ये है। आज ऐसी बहुत सारी तोहफे हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर आप जो है वो लोगों को बांटेंगे, ये ऑडियंस के अंदर जो सही जिसको आप समझेंगे वो देंगे, लेकिन ये इस तरह की पट्टी है। हाँ, ये राइट, ये स्लीपिंग के लिए ये पट्टी इस तरह मिलती है, और इसका तरीका सबसे आसान ये है कि आप इसको स्लीपिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको यहाँ रख लें। अच्छा, तो खाना खाने का तरीका सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप ये पट्टी लगाया करें। अच्छा, लेकिन अभी से आप शादी में जा रहे हैं तो पट्टी लगा के नहीं जाइएगा। घर में खाने के खाना तन्हाई में खामोशी से बगैर डिस्ट्रैक्शन से खाना ज़्यादा बेहतर होता है, बगैर बात किए, बगैर डिस्ट्रैक्ट किए। आप जो है वो खाना जब आपके सामने रखा हो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको निवाला नज़र आना चाहिए, यानी आपको हवा इस्तेमाल करना है ना, माइंडफुल ईटिंग, आपने निवाला देखना है
निवाला जब यहाँ पे करीब आए तो आपने पॉज जरूर करना है कि स्मेल है या नहीं है, अगर स्मेल मुवाफिक नहीं है तो खुदा रे साथ को यहाँ ले जाएं, यहाँ ना ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने इस निवाले को मुंह में रखना है और 13 से 14 दफ़ा निवाले को चबाना है। और इस 13 से 14 चबाने में क्या होता है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन होती है, आपने टीवी देख लिया, आपने बीवी देख ली, आपने आप उसमें हैं, आपने मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ रख लें। और जब वो निवाला आपने जब ये 13 से 14 दफा चबाने के बाद उतरेगा, फिर आप इसको वापस कीजिए, ठीक है। और अब आप ये दूसरा निवाला बनाइए, ठीक है। क्योंकि अगर ये निवाला उतरने से पहले आपने दूसरा निवाला बनाया, देखिए आपने देखा होगा फास्ट फूड क्यों बढ़ाता है, फास्ट फूड का डिस्टेंस कितना होता है, बर्गर कहाँ होता है, यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ फोन देख रहे हैं, यहाँ, तो आपको उतरने से पहले दूसरा तीसरा, तो आप चबाते नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ये आग पट्टी बांध दें। आपको ही पता है 1 महीने प्रैक्टिस करनी होती है, 1 महीने के बाद सब चीज़ ऑटो हो जाती है, आदत हो जाती है, सब की चीज़ ऑटो हो जाती है। तो आपने सिर्फ ये करना है, आँखें बंद करनी है, निवाला जिस तक खत्म होगा जब तक आँखें बंद करनी है और पट्टी ऊपर ले जानी है, और फिर आपने दूसरा निवाला बना लिया। दूसरी चीज़ ये है, बहुत आसान है, कि आपको जिस भी स्पीड से आप खाते हैं उसको सिर्फ 25% स्लो डाउन करना है, मुझे 25% सिर्फ 25% स्लो डाउन करना है, यानी निवाला उठाने की स्पीड, चबाना। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है कि आपको पता है इंसान का जो जहन है वो सिर्फ रिपीटिशन से याद दहानी से काम करता है, इसी से वो इंस्टॉल होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है ये कि आप अपने एक स्टैंड बनाएं और हर खाने की टेबल के साथ जब आप खाना खाएं तो आप अपने सबसे पहले सामने इसको इस तरह स्टैंड के ऊपर सामने रखें, 25-30 इस पे लिखा हुआ है स्लो, ठीक है, ताकि आपको फॉरन रिमाइंडर हो जाए कि आप स्लो हो जाएं। 25% मुझे स्लो डाउन करना है अपनी स्पीड को, और आपके तो आपके ऑडियंस के लिए आज मैंने इसके ऊपर सिग्नेचर किया, खुदा रहा बेचिएगा नहीं, पहले मैं तो गलती हो चुकी है, साइन करके मैंने प्लेटें दी थी, लोगों ने बेचनी शुरू कर दी थी, ये डॉक्टर साहब की खास प्लेट है, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, स्टैंड के ऊपर आपके सामने रखना चाहिए कि जब आपने निवाला बनाया है उस वक्त आपकी नज़र साथ साथ यहाँ होनी चाहिए, यानी पहले ये रिमाइंडर है कि मुझे स्लो करना है और 25% स्लो करना है, ठीक है। फिर आँख पे पट्टी बांधनी है, आँख का इस्तेमाल करना है, स्मेल का इस्तेमाल करना है, और इसको 12 से 13 दफा चबाना है, चबाना है। जब ये निवाला उतरेगा तो दूसरा निवाला आएगा, अगर ये नहीं उतरेगा इससे पहले वो नहीं आएगा, आप यकीन माने। अच्छा ये वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये साइंस सीखी है, ये सारा सुन्नत का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये सारा मैं आपको सुन्नत का तरीका बता रहा हूँ कि जब उतरेगा, जब ये सिग्नल अंदर से आए रुक जाओ। अच्छा होता क्या है, एक बड़ी आसान सी कैफियत होती है, वो ये होती है अक्सर आप सुनते भी हैं, कहते हैं कि यार वो पेट भर गया है नीयत नहीं भरी, सुनते हैं ऐसे ही ना, पेट भर गया है लेकिन नीयत नहीं भरी है, लेकिन वहीं रुकना है, जहाँ पे पेट भर गया है वहाँ पे रुकना है। अगर आपने वहाँ रुक गए हैं तो फिर ये जो आपकी ईटिंग हैबिट है, इसके बाद आप यकीन माने कहीं भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये खाएं और ये नहीं खाएं, कुछ भी आप खाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो वो ज़रूर हजम होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा और आपके जिस्म के लिए मुफीद होगा और वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए वज़न कम होगा ही होगा, लेकिन अभी जो शांजे ने बहुत अच्छी बात कही है, अहम ये है कि मैं सेहतमंद हूँ, ठीक है, अहम ये है कि मैं वज़न के साथ साथ सेहतमंद मुझे होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन शांजे की तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एंड नेक्स्ट ब्रेक में उस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, ताकि आपको हो सकता है उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिले। स्टे विद अस। बहुत सारी टिप्स आज आपने तैयार है ना, लेकिन सबसे पहले शांजे अभी अपनी कहानी सुनाएंगे। शांजे, आई वुड लाइक कि आपके हाथों से मेरी ये सारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, इनमें से बहुत सारी खुद तो टीनेजर्स हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, लेकिन अम्मी होंगी, खाला होंगी, फुफ्फी होंगी, कोई ना कोई होगा जो वज़न कम करना चाहते होंगे। तो डॉक्टर साहब का ये जो है ना कि आँखों पर पट्टी और उम्र रही लापे कि 25% स्लो, जितना स्पीड से आप खाते हैं उससे 25% स्लो, ये आप प्लीज बांटेंगे जल्दी से, ताकि हम जो है सबको जितने लोग लेना चाहें उन सबको ये बांटें, ताकि सोवेनियर के तौर पे आपके सामने रहे। जब हम जाते हैं ना बहुत ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लोगों को समझ नहीं आती कई जगहों पे। आप अभी मैं अजीब सी बात करने के दरबार वगैरह पे जाए ना तो बहुत से लोगों ने नमक रखा होता है, तो मेरी मैं अक्सर अपनी अम्मा से जब मैं छोटी होती थी तो बहस किया करती थी, ये क्या चीज़ आप नमक चाट रही हैं, वहाँ जाके नमक ले रही हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि इसमें कोई ना हिकमत होती है। तो ये कहने को छोटी सी चीज़ है कि आपके पास एक सोवेनियर है कि 25% स्लो
और आंखों पे पट्टी खाते हुए आपने जो है जब चबाने हैं तो आपने आंखों पे पट्टी बांध के कुछ और नहीं देखना, सिर्फ फोकस करना है उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मली अगर अगर आपके पास पट्टी नहीं है तो आंखें बंद करके चबाएं। ठीक, बेसिकली रूल ये है कि जिस वक्त आप चबा रहे हैं उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जाहिर है आंखें खुलवा देती है ना। अगर आपने निवाला देख लिया है तो फिर आप बड़े आराम से आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप तो आपने देख लिया ना, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये अगर आप यहां इस वाले पे भी अभी जाना है इसके ऊपर। अच्छा, अगर आप समझा सके तो मैं शानजे की कहानी भी सुनती हूँ। अच्छा, लेकिन इससे इससे इसके इसके जो स्टेप्स है ना वो ये है कि हमें अपने आप को किस तरह रिलैक्स करना है, राइट। अगर मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा उसके बाद का ये स्टेप्स है। दो चीज़ें मैं अपनी आपकी तवस्सुत से अपने नाजरीन से आपके नाजरीन लाखों नाजरीन से पूछना चाहता हूँ। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने रात को अलार्म लगाया हो सुबह 6 बजे का और कुछ सेकंड पहले वो अलार्म से पहले आपकी आंख खुल गई और फिर अलार्म बजा? होता है या नहीं होता? हमेशा होता है। इसका मतलब ये कि मेरे जिस्म के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको अगर मैं मैसेज दूं रात को तो वो काम करता है, ऐसा ही है। एक एक बात साइंस की मैं बता रहा हूँ क्योंकि दायरे में साइंस का टीचर हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपका अगर ख्वाब में जब आपकी कभी आंख खुली हो, क्योंकि हमारे हमें दिन में 70 से 90 हज़ार ख्याल आते हैं, वो 70 से 90 हज़ार ख्याल रात को पूरे रिलिव होते हैं। हम जो सारा दिन करते हैं सोते हुए हमारा जिस्म पूरा रिलिव करता है, रिलिव करता है। उसमें अगर कोई ऐसे अंधोनाक किस्म के ख्याल होते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। आपने ये नोट किया है कि अगर मैं डरता हुआ उठता हूँ और मैंने देखा है कि मेरा गला खुश्क है, आंख खुली है तो मेरा गला खुश्क होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज मेरे ऊपर थी, जब मैं आंख खुलती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर भारी चीज है, इवन ऐसा स्लीप पैरालिसिस होता है कि हम उठ भी नहीं पाते हैं। अगर आप डर खौफ और इतनी बड़ी छुपके लिए आपको नजर आई है और आप जब उठते हैं तो आप पसीने में नहाए हुए होते हैं, होता है, इसका मतलब ये है कि साइंस ने हमें दो चीजें बताई, एक मेरे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, दूसरी चीज क्या है कि मेरा सारा दिन में मैं जो भी करता हूँ वो रात को मैं रिलिव करता हूँ। मेरे इस जहन को असल और नकल का नहीं पता। हम ड्रामा देखते हैं आंसू आते हैं क्योंकि इमोशनल है, मजे की बात ये कि दूसरे दिन फिर रिपीट देखते हैं फिर आंसू आते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इसको असल और नकल का नहीं पता। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ के अंदर एक नींबू है, एक खूब रसीला नींबू है, और अगर मैं इस नींबू को तराश देता हूँ और मेरे अगर हाथ में एक अचार की बोतल है और इसको खोलता हूँ और मैं ये नींबू निचोड़ता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसके अंदर खट्टा मसाला टाटरी वाला काले नमक के साथ डालता हूँ तो मुंह में पानी आ रहा है, और फिर मैं ये फांक एक लेके उतारता हूँ तो इसका क्या हो रहा है? मुंह में पानी आ रहा है। जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा ही है ना। इसको असल और नकल का नहीं पता। वजन कम कैसे होता है? मेरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इस खाने को एनर्जी में तवानाई में तब्दील करना है और बाकी वेस्ट की सूरत में निकालना है। ठीक, उसके लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ 20 मिनट की 25 मिनट की 20 मिनट की एक्सरसाइज दिन के अंदर काफी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते आपको सिर्फ 2 से 2500 कदम चलाने हैं। ठीक, 2 से 2500 यानी आप अपने बेड से लेके अपने किचन तक भी जाते हैं, ये भी कदम है। अगर आप अपने कदम बढ़ा दें 2 से 2500 या 20 मिनट आप अगर अपने आप को मसरूफ रख लेते हैं, टेलीफोन के ऊपर हम बात करते हैं घंटे, हम बिल्कुल बैकअप क्या नो बात ना करें, चलते हुए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। इसी तरह आप अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं आप खड़े होकर देख सकते हैं, चलते हुए देख सकते हैं, यानी आपको सिर्फ अपने आप को मुतहरिक रखना है सिर्फ 20 मिनट चलते फिरते रखना है ताकि ये 2000 स्टेप्स की हो जाए। ठीक है, तो अच्छा अब वो क्या करेगा? उस मेरे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, अब वो हजम हो जाएगा, मेरा वजन खुद ब खुद कम होगा क्योंकि वो टिकेगा नहीं, यहाँ 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 नहीं टिकेगा। अब मैं अगर यही काम अपने उस लाशऊर को दे दूं कि मैं चाहे एक्सरसाइज खुद 20 मिनट दिन में करूं या रात को सोते हुए रिलीव ये करें, काम तो वही करेगा साइंस के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक भी दिया है। 2.5 घंटे पहले 2 घंटे जिस्म सोता है, उसके बाद ये जागता है जहन हमारा और ये सारे दिन को रिपीट कराता है। इसलिए ये कह रहा है रोजाना रात को सोने के 2.5 घंटे के बाद मेरा लाशऊर करवा रहा है मुझको 20 मिनट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पसंदीदा वर्जिश, वो चीज जो मैं इंजॉय करता हूँ। ठीक है, और क्या होती जा रही हूँ सेहतमंद, पुरकशिश और जाजिब नजर। वैसे डॉक्टर साहब इसको अगर फैंटेसी में ले जाएं तो आपने एक्सरसाइज बैंड बांधा हुआ है, फिट से जॉगिंग ट्रैक पहना हुआ है, जबरदस्त से जॉगर्स पहने हुए हैं और आप एक इंतहाई हसीन खूबसूरत जहाँ से आप गुजर रही हैं वहाँ से लोग आपको मुड़ के देख रहे हैं और आप अपने ख्वाब में ऐसी एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, आप गूगल करके सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं आज यहाँ कोई शोभा नहीं दिखा सकता। ये शोभा नहीं है, ये सेशन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन आपने बड़ी प्यारी अभी बात कही है कि ये जो फैंटेसी यानी जिस वक्त आप ये रिपीट कर रहे हो, इसका मैं अभी तरीका बता दूंगा कि रिपीट कैसे करना है, उस वक्त इस फिल्म को यहाँ जरूर चलाना है। ठीक, क्योंकि हमारे
ये जहन जो है ये सिर्फ तस्वीर समझता है, जिसको मूवी कहते हैं, ये मूवी समझता है। मैं आपको कहूँ कि अपने खूबसूरत स्कूल का दिन याद कीजिए, अपने स्कूल का पेटिस याद कीजिए, अभी पूरी मूवी आ जाएगी, राइट आएगी, अभी आ जाएगी ना मूवी, और पांचों हवास आएंगे, देखना भी आएगा, सुनना भी आएगा, महसूस करना भी आएगा। ये दिन में 10 दफा कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा, और रात को ये सोते हुए कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो हमारा सांस का तरीका है इसको हमें तब्दील करना है। हम सांस यहाँ से लेते, हमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, आपको पता है ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। अच्छा, कार्बन जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, गाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी मशीन के लिए अच्छा नहीं है, और इस मशीन के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। हमें जितनी ऑक्सीजन लेनी है उससे डबल हमें बाहर निकालनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकालनी है। तो उसका तरीका यह है कि ये जो हमारा पेट है, इस पेट से हमें, यानी जब हम सांस इन करें तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल। जब हम इनहेल करें और जब हम एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाना चाहिए। अब हम यहाँ से सांस लेते थे, हमें यहाँ से सांस लेना है, हमें अपने इस मैदे से सांस लेना है। ये क्या करता है, हमें रिलैक्स करता है। मैं फिर आपको बताता हूँ, जब हम सांस लें इन करें तो हमारा पेट बाहर जाना चाहिए, और जब हम एक्सहेल करें तो बाहर आना चाहिए, ठीक है। पहले जब आप ये 4 से 5 दफ़ा ये करेंगे, यही पट्टी आँख के ऊपर बांधेंगे और 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे, लेकिन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब ये आप सांस लेने के बाद 10 तक गिनती गिन चुके होंगे, आंखें खोलेंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे फराह बहन ने बताया कि आपकी वो पिक्चर होनी चाहिए कि मैं जाजिब नज़र, पुरकशिश और सेहतमंद हो रही हूँ, ये वो पिक्चर आपकी चलेगी। और ये पिक्चर के बाद ये दिन में आपने एक दफ़ा टोटल एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी है। और जब आप रात को सोने के लिए लेटे और अपनी दुआओं के बाद सारी चीज़ें करने के बाद जब आप लेट जाओ, इसके बाद ये आप, क्योंकि दिन में 3 दफ़ा करोगे तो याद हो जाएगा, यही पिक्चर चलाते हुए आपको इसको रिपीट करते हुए सो जाना, ठीक है। और उसके बाद रात को ये काम बाकी खुद करना है। मैंने जिंदगी के मैं चाहूंगा कि आप मेरे बेटे को अगर मुबारकबाद दे सकें, कल मेरा बेटा 25 साल का हुआ है, माशाल्लाह। तो और मैंने जिंदगी के अंदर न कभी एक्सरसाइज की है, और हम डेली बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब दिल चाहे खाओ और जितना दिल चाहे खाओ, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर ये काम करता है, वो इसलिए करता है कि हमने साइंस से ये सीखा है कि जो काम आप खुद नहीं करना चाहते उसको इसको दे दो, ताकि वो काम आपके लिए जो है ये कर सके। गुड, सो ये इससे ज्यादा आसान तो के तौर कोई नहीं हो सकती ना। लेकिन मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे तो कह दे, शारिक नाम है। हैप्पी बर्थडे शारिक, यू आर अ लकी सन के आपको ऐसे अब्बा मिले हैं। होप के बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको खुद ही से मिलती होंगी, है ना। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा शानजे, ये सारा कुछ डॉक्टर साहब ने आपको भी बताया था, आपने भी ये सब प्रैक्टिस किया है, और कैसे ये सारा जर्नी शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँची आप? अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो है वो सबसे पहले तो मेरे इमोशनल इश्यूज सॉल्व किए थे। इमोशनल इश्यूज, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं हम मोटे हो क्यों रहे हैं, हम खा क्यों रहे हैं, अननेसेसरली हम ओवर ईटिंग की तरफ जा क्यों रहे हैं। तो इसका सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो स्ट्रेस एंड एनजाइटी एंड डिप्रेशन होता है। व्हेन माय फादर पास्ड अवे, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं नहीं आ सकी थी, आई वाज मैं स्टडीज कर रही थी बाहर। आप मुल्क से बाहर? जी, मैं मुल्क से बाहर थी। तो वो उसका डिप्रेशन मेरे लिए जो वेंट आउट का तरीका था वो ये था कि मैंने वो खाने में कम्फर्ट ढूंढा। यानी आपको अपने अंदर गिल्ट फील होता होगा तो? हाँ, कि मैं नहीं आ सकी, अफसोस था। ना आने से ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस था कि मेरे फादर नहीं थी, मैं यंगेस्ट हूँ फैमिली में, तो लाडली थी अपने बाप की, तो वो बहुत ज़्यादा गैप आज तक मेरी लाइफ में, इट्स बीन 18 ईयर्स, तो वो गैप बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ में। तो एक तो वो गिल्ट बहुत ज़्यादा मेरे अंदर था कि मैं अपने बाप के पास सकत नहीं थी व्हेन ही नीडेड मी, एंड सेकेंड ये कि उसका इमोशनल टर्मोइल मेरे लिए था कि मेरा कम्फर्ट, आज भी अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे पे हो जाए तो मुझे मीठा चाहिए होता है, मेरा ब्रेन वर्क करना छोड़ देता है, मुझे बस चीनी चाहिए। आप यू आर वर्किंग वुमन तो आप मुझे बहुत ज्यादा होती है, काम लोड पड़ता है तो आपको फॉरन ब्रेन ऑक्सीजन, आपका वो ग्लूकोज मांगना शुरू कर देता है। I thought कि I am the only one suffering with this problem, लेकिन good to know कि बाकी लोगों को। तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि मैं डाइट्स कर रही हूँ, क्रैश डाइट्स पे जा रही हूँ, फेंट हो रही हूँ। तो फर्स्ट तो माइंड सेट मेरा कभी भी ये नहीं था कि जी मुझे किसी और के लिए कम होना है, ठीक है। तो जब किसी और के लिए कम होना है तो आपने प्रेशर लेना शुरू कर दिया, तो आपका ब्रेन जैसा ये बात कर रहे थे वो रेजिस्टेंस पे चला जाता है, बिकॉज ब्रेन इज मेड टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है। सो वो आपको प्रोटेक्शन उसमें ले लेता है कि नहीं तुम ठीक हो, ठीक है, सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो वो आपका, मेरा वेट कम हो ही नहीं रहा था, चाहे स्विमिंग करूँ या मैंने इवन US मरीन ट्रेनिंग्स मैंने की, लेकिन मेरा वेट हिल के नहीं दे रहा था। अच्छा, फिर इन्होंने मेरा डीप हिप्नोसिस किया, वो सोफा अभी तक टूटा हुआ है।
से वो डीप हिप्नोसिस से, उससे भी लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं हमारी कौन कौन से राज उगल आएंगे, तो ऐसे कोई हमारे राज होते नहीं है. सो वो डीप हिप्नोसिस से, तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही था कि मेरे फादर वाला जो एक सेल्फ गिल्ट, सेल्फ इम्पोज्ड ग्रज था, सो दैट आई लेट गो ऑफ दैट. बहुत सारी और चीज़ें, करियर मूव्स, लाइफ मूव्स, कंट्री मूव्स, सो हमें लाशोर में बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस बन जाती हैं जो हमें अपेरेंटली पता नहीं होता. सो व्हेन आई लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट, देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फॉर हेल्थ, कि नहीं ये मेरी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, मेरे काम को इफेक्ट कर रहा है. तो वो फिर मेरे ब्रेन ने उस हिसाब से वर्क करना शुरू कर दिया. मतलब एक्सरसाइज फिर आप करती थी? हाँ, और अभी भी करती हूं. ये सब कुछ करने के बाद फिर वजन कम होना शुरू हो गया. एक्सरसाइज एंड क्लीन ईटिंग एंड माइंडफुल ईटिंग, लाइक ही सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ने भी बताया है. हाँ, जो ये तरीका था, पट्टी बांधती थी और वो. नहीं, पट्टी नहीं बांधने की जरूरत मुझे पड़ी थी, बिकॉज डीप हिप्नोसिस से वैसे ही ब्रेन चैनलाइज हो गया था. ठीक है. तो उसमें ये होता है, जब स्लो खाने का तरीका ये बता रहे हैं, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, ज़्यादा खा रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा था हम कितना खा रहे हैं, बिकॉज हम अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं. ठीक है. जब आप स्लो खा रहे होते हैं और आप 14 टाइम आपने चबाना है और आपने सोचना है, आपने उसको सूंघना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो टेंशन वाला फेस था वो इस तरफ डाइवर्ट हो गया. तो आप डी स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इधर हो गए. सो वही फंक्शन जो आपको इमोशनल ईटिंग आपको मोटा कर रहा था, माइंडफुल ईटिंग वही फंक्शन आपको कम कर पतला कर रहा है. पतला कर रहा है. ठीक है. अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारी और टिप्स हैं. उमेरा हील हमारे पास बैठी हुई है. उमेरा हील, आपके लिए एक सवाल जो फेसबुक पे अभी हमें आया है वो ये है कि आप जो फ्लैट ब्राउन तिल होते हैं उनका कोई हल जो है वो ज़रूर बताएं, लेकिन उसके साथ साथ डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें वज़न कम करने के हवाले से जो आज बात है वो ज़रूर बताएं. और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है, अब भी हमारे फ़ैन पेज पर भेज दीजिए. मैं ये फ़ैन पेज इस वक्त खोल के बैठी हुई हूँ. और ये है माही. माही ने हमें भेजा है सवाल फ्लैट ब्राउन तिल का. अच्छा, हम इसके बारे में. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, ऐसा है कि आज हम वेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा टॉपिक बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है. अगर हम कोई और चीज़ करेंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे. ओके, तो हम कल करते हैं. कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरे डिस्कशन करेंगे. फ्लैट ब्राउन टिल्स के लिए कल हमारे साथ जरूर ट्यून रहिएगा. अभी हम आपको ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उमेरा हील अपनी टिप्स बताएंगी और साथ साथ डॉक्टर साहब की, डॉक्टर इमरान की जो टिप्स हैं वो भी आपके साथ शामिल होंगी. लेकिन ये ना समझिएगा कि फजल के मैं आपको भूल गई हूँ. मैं जानना चाहूँगी फजीला, फजीला के ये क्या ताल्लुक है भाई इमोशनल डिस्टरबेंस का और वजन के बढ़ने का? देखिए, जो शानजे ने अभी जहाँ अपनी बात छोड़ी है ना, उधर ही से मैं शुरू इसको करना चाहूँगी कि इमोशंस हमारे किस तरह खाने से अटैच होते हैं. अब मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि जब हमें माशरे में कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, जैसे कि कोई अच्छी जॉब मिली या ये कि प्रमोशन हुआ, हाँ, या ये कोई भी खुशी की खबर मिली, क्या होता है, ट्रीट दो. खुशी की खबर से हमारा इमोशन, अब हमने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया कि खाना खाने से खुशी है, खाना मिलेगा तो खुशी है. आप बल्कि आप देखेंगे खाना जो लोग खिला रहे होते हैं ना, वो भी अच्छे लगने लगते हैं. हम जिंदगी के सारे बड़े डिसीजंस खाने की टेबल्स पे लेते हैं कि नहीं, रिश्ते खाने की टेबल्स पे होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स खाने की टेबल पे होती हैं. बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि जो अल्लाह के नबी से बड़ा माहिर नफ्सियात कौन है इस दुनिया में, उन्होंने भी जब कुफारे मक्का को पैगाम देने के लिए बुलाया है, सबसे पहले कहाँ बुलाया, दावत ज़ुल-शीरा में खाने पर बुलाया. और उसमें एक तरतीब है, पहले खाना खिलाया है, बाद में पैगाम दिया है. क्यों? क्योंकि जो खाना दे रहा होता है ना, उससे भी आपको एक अटैचमेंट हो जाती है. वही जो शानजे ने खूबसूरत बात की, क्योंकि आपका लाशऊर ये जानता है कि सर्वाइवल के लिए खाना ज़रूरी है. ठीक है. अब बचपन में हम लेकिन ये नहीं सीखते कि क्या खाना ज़रूरी है और क्या खाना ज़रूरी नहीं है. जिसकी आमदी. तो अब हम आए हैं अपने किचन में, जहाँ उमेरा हील अब हमें बताने वाली हैं कि वो कौन सी चीज़ें जिनके साथ वजन कम कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा. हाँ, बिल्कुल. बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब ने बताई वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक आप जिप नहीं लगाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता. और उसके साथ बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई एक पार्ट कम नहीं हो रहा, या बहुत कोशिश कर ली किसी भी तरह से वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा या कम नहीं हो रहा. उसके लिए ये बढ़ते हुए वज़न को या बढ़े हुए वज़न को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, साथ साथ ये होता है कि वो लोग जो एहतियात करना चाहते हैं, शादी के बाद बच्चियों का वेट एकदम बढ़ जाता है या डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है, तो वो अगर ये सब चीज़ें करती हैं तो उनका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा. और अगर थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके लेके चलते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है. बिल्कुल सही. सबसे पहले हम कहवा बनाते हैं.
पानी हमने उबलने रख दिया तकरीबन दो प्याली, दो कप हमने पानी रखा है, इसमें लेमन ग्रास डालेंगे, ठीक है, ये हरी वाली भी, हाँ हरी वाली भी डाल सकते हैं, ग्रीन टी जो वो भी डाल सकते हैं, और लेमन ग्रास नहीं तो जो सादी चाय की पत्ती है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है तकरीबन हम 5 से 6 लौंगे डालेंगे, ठीक है, ये अपने किचन का सामान है सारा। दालचीनी जो है हम बहुत थोड़ी डालेंगे, दालचीनी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए और मिकदार उसकी बढ़ानी चाहिए, बहुत ज़रा सा टुकड़ा डालेंगे। और जो लोग रेगुलर दालचीनी इस्तेमाल करते हैं वो 1 महीने के बाद लाजमी गैप करें, वरना उनका लिवर जो है डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दालचीनी तो आठवीं तो बड़ा मशहूर मतलब है, दालचीनी शहद में डाल के बहुत सारे टाइम होता है, एंटीबायोटिक्स खा लें, कोई मेडिसिन खा लें, ये नहीं कि जिंदगी भर पानी तो है नहीं कि आप जिंदगी भर पीते रहेंगे, ठीक है। दालचीनी इस्तेमाल करें बिल्कुल कीजिए, क्वान्टिटी बहुत कम रखनी है, 1 महीने के बाद लाजमी गैप करना, फिर अगेन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अदरक का टुकड़ा, ठीक है, फ्रेश डाल लें या सूखा हुआ डाल लें 1 इंच के करीब, और ये है हमारे पास अमलतास, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 पॉइंट डालेंगे, ठीक है, जो अंदर इसके सिक्का जिसे कहते हैं, ठीक है, और ये डालकर ये कावा बना लेंगे, बिल्कुल, ये कावा जब बन जाएगा अच्छी तरह से पक गया, सा कलर चेंज हो गया है, इसको जो है आपने इस्तेमाल करना है रेगुलर बेसिस, जब 1 कप रह जाएगा इसको आप छान के ठंडा करेंगे, इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, इसमें शहद भी डाल सकते हैं, और नहीं दिल चाहे तो नहीं डालें। और कब कब पीना है इसको? दिन में 1 बार पीना है, सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है सहपहर का टाइम, जो चाय का टाइम होता है वो शाम 4-5 बजे, जब 2-3 घंटे हो गए हैं, और अगर वो लोग जो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं उनके लिए खाने के साथ पिए, अच्छा, वो खाने के साथ अगर पीते हैं, ऐसे खाने के साथ नॉर्मली होता क्या है कि कोई ना कोई ड्रिंक पी जा रही होती है, कोई जूस पिया जा रहा होता है या ठंडा पानी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे आपने जो ये कहवा पीना है, ठीक, तो उससे ये कि इंशाल्लाह, और ये वो लोग जिनको एसिडिटी रहती है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छा, जैसे कि इसमें लौंग है ये बहुत तेज़ है तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर से मशवरा करें देन फिर इस्तेमाल करें, ठीक है, सुखावा हो गया, अच्छा वेट कम करता है। अच्छा, इसके बाद जो है हम एक ऐसा नुस्खा बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, सफूर बनाएंगे, उसकी खास बात ये कि वो लोग जो चाहते हैं कि, अच्छा, ये मर्द और औरत दोनों के लिए सब, है ना, सब पी सकते हैं, ठीक है, ये खुला है, खुला है, अच्छा अच्छा ठीक है, कम कर दें, गर्मी लगी होगी आपका, सही। अच्छा, इसमें जो है अब हम जो बनाएंगे वो एक ऐसा माजून बनाएंगे, इसलिए कि पाउडर खाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें पीना मुश्किल होता है, तो माजून करके शहद में होता है तो वो टेस्ट अच्छा हो जाता है, उसको औरतें, इसलिए कि बहुत सारी जब खवातीन आती है, मर्द तो शिकायतें करते, औरतें करती कि टेस्ट अच्छा नहीं है, वज़न तो कम करना है लेकिन टेस्ट भी चाहिए, तो फिर हम उसको माजून की सूरत में ले आते हैं ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा, ये वो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वज़न कम हो और तेज़ी के साथ कम हो, ठीक, 1.5 महीने में या 1 महीने बाद शादी है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या उनके घर में शादी है, लाइक मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जी महीने के एंड में शादी है, नंद की शादी है, भाई की शादी है, और वज़न कम करना, ठीक, तो ये उनके लिए, इसलिए अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर 1 kg वज़न गिराता है, 2 से 3 दिन में 1 kg, लेकिन उसके साथ जिप लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सौंफ के ही सबसे पहले इसमें, सबसे पहले हमने कितना वज़न, अच्छा ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेंगे, लाइक 1 टेबल स्पून ले लें, इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी, कलौंजी, ठीक है, इसमें डाला है लाख दाना, लाख दाना मकसूल होता है जो कि धुला हुआ होता है, लाख दाना गोंद होती है, 2 तरह का होता है, हमेशा मकसूल कह के लें कि वो जो कि वॉश किया हुआ, लाख दाना मकसूल, 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 ठीक है, मतलब गुसल किया हुआ, ठीक है, अच्छा अच्छा मकसूल, वो मकसूल, ठीक है, गुसल किया हुआ मकसूल, हाँ मतलब वो ज़रूरी होता है, ठीक, इसमें हम डालेंगे पहाड़ी पुदीना, पहाड़ी पुदीना सिंपल वाला भी चल सकता है या पहाड़ी चल सकता है, लेकिन पहाड़ी पुदीना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरतुंबा, कोरतुंबा, अच्छा कोरतुंबा का हम ये करेंगे इसलिए कि ये बहुत तेज़ होता है तो हम सिर्फ इसका छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर पूरा इस्तेमाल करते हैं तो वेट बहुत तेज़ी से कम होता है लेकिन पेट में बहुत दर्द होता है, अच्छा, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, वो पूरा इस्तेमाल कर लें, और बाकी जो नॉर्मल है जिनका बीपी लो रहता है तो वो जो है सिर्फ छिलका इस्तेमाल, जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनको कोई मसला नहीं, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसका आपने सफूर बनाना है, पाउडर बना लीजिए और इसको जो है हम शहद में मिला के रखेंगे, ठीक है, ये पाउडर बन जाएगा, इसको शहद में मिला के पेस्ट बना कर रख लें, और इसको कब कब इस्तेमाल करें? सुबह 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली इसकी डोज जो है 1 टीस्पून होता है, ठीक, बट 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करेंगे और सुबह 1/2 टीस्पून खाएंगे और रात को खाने के बाद, ठीक,
मतलब सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद हाफ हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना है और हाफ टी स्पून से फिर बढ़ा के वन टी स्पून पर ले जाएंगे। जो डायबिटिक पेशेंट है वो शहद नहीं डालेंगे, ठीक है। और जो बच्चियाँ हैं जैसे टीनेजर्स हैं लेकिन वजन बढ़ा हुआ है, वही जैसे मैंने कहा हार्मोनल पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो वो भी इस्तेमाल, वो बहुत मज़े से इस्तेमाल कर सकती है। उनके लिए एक और चीज़ बता दूँ कि छोटी बच्चियाँ 18 साल से कम उम्र बच्चियाँ हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर ना जाएँ, सिर्फ डाइट कंट्रोल करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक, वॉक करना शुरू करें और सिर्फ सौंफ और अलसी इन दोनों को पकाएं, आप अच्छी तरह से पका के खूब रोज़ाना इसका एक कप पी लें, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, पीसीओएस का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह और वेट खुद बहुत कम होना शुरू। मुझे पता चला है कि चटनी भी कोई आपने बनानी है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ये चीज़ें तो वन टाइम बना के रखनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चटनी हर रोज़ आप फ्रेश बनाएंगे? नहीं, चटनी भी देखिए एक्चुअली हम औरतों को ना चटखारे चाहिए, हाँ, चाहे वजन कम करना चाहे खूबसूरती, लेकिन चटखारा अपनी जगह, हाँ, तो लेकिन डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं ना कि डिलाइटफुल टेस्टफुल जो चीज़ें वो करनी आसान हो जाएंगी, तो फिर हम इसलिए कि हमने कहा चटनी बना लेते हैं, चटनी है अचार इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बनती हैं तो वो इस्तेमाल करना आसान होता है। मैं आपको ये बता दूँ पहले, ठीक है। खैर ये सफूफ बन गया है, इसमें हम शहद मिलाएंगे, शहद मिला के उसको रख लेंगे। अच्छा, जब शहद मिला के रखेंगे तो इसकी लाइफ जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी लास्ट करता है, लाइक एक साल तक आप बना के रख सकते हैं, ठीक। वज़न तो आपका इंशाल्लाह एक महीने में कम हो जाएगा, लेकिन आप बना बना के आप आगे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन जाएगा माजून। चटनी का मैं आपको बता दूँ, चटनी में वही चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ास डिफरेंट चीज़ें नहीं है इसमें। सबसे पहले हम पुदीना लेंगे, ये वॉश करके रखा हुआ है, जैसे चटनी बनती है, ठीक है। पुदीना आपने हरा पुदीना इस्तेमाल किया है, हरे पुदीने के अंदर जो है आपने हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं, ठीक है। इसको मैं काट के डाल दूँ। पुदीना हरी मिर्चें की जो चटनी घर में बनती है, बिल्कुल उसी तरह डाल लें, बिल्कुल उसमें लहसुन भी डालेंगे, उसमें एक दो चीज़ों का धनिया डाल करेंगे। अच्छा, और इजाफा करें वो क्या चीज़ें? देखिए ये तो चटनी तो नॉर्मल है जो बनती है घर के अंदर, हाँ, कि हरी मिर्च डाल ली हमने, अपना पुदीना डाल लिया है, उसके अलावा जो है हम इसमें सादे नमक की जगह काला नमक ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, काला नमक डलेगा, काले नमक से क्या फ़ायदा होगा? काला नमक जो है आपका मेटाबॉलिक जो है ना मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, तेज करता है, आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपका मतलब भूख भी बढ़ाता है एक तरह से, ठीक है, और खाना हजम भी करता है। और सादे नमक क्या? अच्छा, इसमें जो है फिर हम डालेंगे वही लहसुन, सभी रखा है मेरे लिए आज किचन में काम करूँ। लहसुन के अलावा भी कुछ और डालेगा? बिल्कुल, लहसुन के साथ हम डालेंगे अनारदाना, ठीक है भाई। ये ज़बरदस्त वाली चटनी बन गई, ये चटनी तो मेरे ख्याल हर खातून के पास बहुत मज़े की चाहिए, टेस्टफुल भी है। तीन से चार बादाम डालेंगे। अच्छा, बादाम भी डालेंगे? वाह भाई, कलौंजी डालेंगे। अच्छा, कलौंजी भी डल रही है? सादी चटनी तो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं कि आप घर में बनाते हैं और उसका कोई ख़ास आपको नहीं मिलता। और ये जो है ज़रा सी दालचीनी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाफ टी स्पून ज़ीरा डालें, ज़ीरा डाल दें। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें डाली है हमने, कलौंजी डाली है, बादाम डाले हैं और दालचीनी डाली है, ज़ीरा डाला है, ज़ीरा डाला है। ज़ीरा तो चटनी में नॉर्मली हम डालते हैं। फ़ज़ीला, बीएमआई का और ये जैसे मेटाबॉलिज्म की बात थी, मेटाबॉलिज्म के तेज़ होने का स्लो होने का कोई ताल्लुक भी हमारे ज़हनी दबाव से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से है? बिल्कुल, जब भी आप किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं या किसी भी किस्म की उदासी में आपने कोई फेलियर फेस किया है, हार्ट ब्रेक फेस किया है, तो पूरे के पूरे जिस्म पे इसका असर होता है। अच्छा। और उससे आपका जो बीएमआई है वो भी स्लो हो जाता है। इसके अलावा ये यानी आपका जिस्म में हजम करने की चीज़ों को, हाँ, सलाहियत जो क्योंकि पूरा प्रोसेस स्लो हुआ है ना, आप एक ऐसी कैफियत में ही नहीं है जहाँ आप चीज़ों को इंजॉय कर सकें, आप खाना भी सोलफुल तरीके से नहीं खा पा रहे, आप बस खाते हैं और सोच किस बारे में रहे होते हैं, उस परेशानी के बारे में, ठीक है। तो पूरे का पूरा जिस्म में अंदरूनी तौर पे आपके ख्याल, आपकी आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरे जिस्म का जो चलने का तरीका है वो एक डिफरेंट सिनेरियो में जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एजिंग से भी होता है, जितना ज़्यादा आपकी एज बढ़ती रहेगी खुद ब खुद सिस्टम स्लो होता रहेगा, तो खाने को कम करना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। वेट लॉस पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं फरा, तो अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खा रहे होते हैं ना, वेट आपका कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता नहीं करते। जी फ़ज़ीला, सॉरी वो मेरे कान में लगे रहते हैं, आप तो उसके नहीं, आप बताइए जी। देखिए अगर हम में से हर इंसान अपनी हाइट के हिसाब से अपने और अपनी जो एज के हिसाब से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर हम मालूम कर लें, मिसाल के तौर पे अगर आपका वेट इस वक्त 55 है और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर अगर आप खाएंगे ना आपका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। जितनी आपकी जिस्मानी वर्जिश है या जिस्मानी ज़रूरत है उतना ही आप खाएं, जितना कि जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी था। बिल्कुल सही। अच्छा, चटनी तैयार, बस ये सामान हमने सब डाल दिए, ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने पानी की जगह इसमें लीमू डाला है। हाँ मैंने देखा है, हाँ, लीमू डालने से थोड़ा सा पानी चाहिए होता है,
लेकिन आप चटनी पीसे हैं वही गरीब आके, अगर इस चटनी को रोजाना नहीं बना सकते तो दूसरे दिन तीसरे दिन इसको बना के फ्रिज में रख लें और खाने के साथ इसको लाजमी खाएं और एक छोटी सी कोशिश कर लें कि चटनी जो सिर पे पीसना शुरू कर ठीक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके आर्म्स भी टोन हो जाएंगे और चटनी बहुत मजे की बनेगी। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच उमर अहिल। डॉक्टर साहब अभी फजीला ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जहनी दबाव का बड़ा ताल्लुक है हमारे वजन के बढ़ने से। अब डॉक्टर साहब इतने डिप्रेशन होते हैं, मैंने बहुत सारी खवातीन को सुना है वो कहती है हम खाते तो कुछ है नहीं वजन तो खुद ब खुद बढ़ता जाता है। अब इस तरह के जिन लोगों को मसला महसूस हो उसका क्या हल है, उसके लिए मैं आपसे प्रॉपर टिप्स नहीं एक्सरसाइजेस के व्हाट टू डू। ठीक है ब्रेक पहले ले लो, बिल्कुल ले लो। सो एक ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि हम आपको बहुत सारा कुछ वजन के बढ़ने के हवाले से बताने वाले हैं जिससे आप अपने बढ़े हुए वजन को बहुत सारी मुशक्कत किए बगैर कम कर सकेंगे। शामदीद आज हम आपको बता रहे, बल्कि डॉक्टर इमरान आपको बता रहे हैं वजन कम करने के तरीके। फजीला ने भी जिक्र किया, मैं उनसे पूछ रही थी कि जहनी हमारे जो तनाव दबाव डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन इनका ताल्लुक, इनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खवातीन अक्सर कहती हैं कि हम खाते तो कुछ है नहीं। फजीला आपके साथ भी ऐसा था कि खाते तो कुछ है नहीं और वजन बढ़ता है? हाँ, तो अब अगर ऐसा हो रहा हो डॉक्टर साहब तो फिर देखिए पहले बात याद रखिए कि हमारी जो ख्याल हैं वही यादाश्तें बनती हैं और ये जब शुरू होती हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं और 4 महीने के होते हैं, वहाँ से ये ख्यालात का मजमूआ जमा होना शुरू होता है कि अगर हमने इसको नहीं निकाला तो ये हार्ड डिस्क भर जाती है। कैसे निकाले? यही मैं कह रहा हूँ ना, तो अगर अगर जो समराइज ये है कि अगर वजन बढ़ता है जब जब आप डाइटिंग पे चले जाते हैं क्योंकि आप अपने जो मसल्स हैं उनको लूज कर रहे होते हैं, फैट्स को लूज नहीं कर रहे होते, और इसी वजह से जैसे ही आप डाइटिंग छोड़ते हैं फौरन के फौरन वापस आ जाते हैं। ये बोर्ड आपको कह रहा है मुझे सेहतमंद पुरकशिश और जाजिब नज़र होना चाहिए, वो ये इतना वजन मुझे नहीं गिराना चाहिए कि मैं दुल्हन बन के रैम के ऊपर घश खा के गिर जाऊँ, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं सेहतमंद चल के चली जाऊँ। ठीक है, तो अच्छा जब हम ये क्या करते हैं ख्यालात, जब हम इन ख्यालात को चाहे वो पुराने गम हों, पुराने चेहरे हों, पुराने लोग हों, पुराने वाक़ात हों, अंधोनाक वाक़ात हों, ज़िंदगी से गुजर जाने जो ले गए हैं उनकी याददाश्त हों या मुस्तकबिल के अंदेशे हों, जब हम इनको रखते हैं तो ये हमारे जिस्म में जगह ले लेते हैं। ठीक है। आप अपने जिस्म के अंदर अगर आपका जिस्म फूला हुआ है और अगर आप दबाते हैं और दब जाता है तो इसका मतलब ये फिजिकल इशू नहीं है। ठीक है, ये वही ख्यालात हैं जो आपके जिस्म को फुला रहे हैं। ठीक है। और जब आप इन ख्यालात को जिस्म से नहीं निकाल पाते हैं तो फिर ये आपके स्किन के ऊपर आना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मैदे को अल्सर की तरफ जाते हैं और अल्टीमेटली कैंसर तक भी जाते हैं। इन ख्यालात को अपने इस सिस्टम से निकालना है। कैसे? अगर हम निकालेंगे इसी की तरफ मैं आपकी जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो है वो इस तरह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं खड़ों के जो है वो बता सकूँ। अगर ये चार्ट आपके अगर इस कैमरे के ऊपर आप ये चार्ट अगर मुझे इसको फोकस कर दें, मेरे बजाय इसको फोकस जो है वो कर दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर देखें कोई भी जो भी जो ख्याल जो आपको परेशान कर रहा है, वो कुछ वो लोग भी होते हैं जिनके साथ आप रह रहे होते हैं लेकिन बहरहाल आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको रहना है उनके साथ, काम करना है, कुछ भी कर लें सास वहीं रहेगी। राइट, तो आप उसको जितना अपने ऊपर भी लाजिम कर लें वो यहीं पे रहेगा। तो मैं इन ख्यालात को कैसे निकालूं, चाहे वो माजी के हों, चाहे वो मौजूदा हों, चाहे वो मुस्तकबिल के अंदेशे हों। अच्छा, सेम चीज़ क्रेविंग है हमारे सामने, क्या होता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कह तो सही रहे लेकिन जब आलू चाट सामने आती है ना तो बस रुक नहीं पाती। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब स्वीट सामने आता है सब कहते हैं मीठा नहीं खाना मीठा नहीं खाना मीठा नहीं खाना, और जब सामने आता है तो सब इख्तियार नहीं रहता, विल पावर ख़त्म हो जाती है। कितनी बार लोगों के साथ ये हुआ कि उन्होंने एक मीठा देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर थोड़ी देर बाद एक से क्या होगा, उसके बाद उन्होंने एक उठाया और फिर गिल्ट शुरू हुआ, यार क्यों खाया। अच्छा फिर क्या कहता है, जब खा ही लिया है तो सारे ही खा लो, सारे ही जो है वो खा लो। मैं अपने वालिद वालदा मरहूम की छोटी सी बात जो है बताऊँ, उनको डायबिटीज़ थी और वो गाजर का हलवा जो है वो बहुत शौक से खाते थे और अम्मी ज़ाहिर नज़र रखती थी दोनों जो है वो। अब वो जैसे ही वो हलवा, अब आपको मालूम है कि यहाँ से खवातीन स्टार्ट करती हैं। अच्छा, जब वो वालिद नहीं माने और उन्हें देखा मेहमान बैठे हैं तो लेकिन वो फिर भी उन्होंने एक खा लिया, फिर अम्मी ने थोड़ा सा और जो है वो तपिश बढ़ी, फिर उन्होंने एक और खाया, अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा आप ये खा के मर जाएंगे। तो मेरे वालिद साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, आज मैं यही खा के मरता हूँ। अब वो इख्तियार खत्म हो गया, अब सिर्फ गाजर का हलवा अंदर जो है वो जाना है। तो अब वो क्रेविंग में कैसे रोकूं, राइट, उन ख्यालात को निकालने के साथ साथ क्रेविंग को कैसे रोकूं। तो ये जो भी आपका मसला है चाहे वो माजी चाहे मुस्तकबिल चाहे हाल,
چاہے وہ لوگ شخصیت الفاظ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے یہاں دبا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے 30 سال پہلے جو بات کہی تھی نا نکل نہیں رہے جو نہیں نکل رہی وہ یہاں رکھی ہے کہتے ہیں نا زبان کا گھاؤ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور رکھا ہوا ہے نا اس کے لیے ہم نے جو ٹیکنیک ہے یہ اس کا نام ویسے زیپٹ ہے اور یہ ٹیکنیک کا نام ہے زیڈ یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا نام ہے زیڈ اب وہ چاہے آلو ہے چاہے وہ کریونگ ہے چاہے وہ میٹھا ہے چاہے وہ شوہر ہے بیوی ہے کولیگ ہے پارٹنر ہے ہسبینڈ ہے ساس ماں ہیں وہ زیڈ ہے تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنی یعنی نجات کا مطلب کیا ہے صرف یہاں سے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے آپ آنکھیں جیسے کہتی ہیں نا دادی اماں آنکھیں دیدے کیسے گھما رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی جو جو میں ڈائریکشن آپ کو دوں گا اس سے مجھے آنکھیں بھی گزارنی ہے اس کے بعد مجھے بولنا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے اپنے ہاتھ چلانا ہے ٹھیک ہے یعنی میرا ہاتھ سب سے پہلے یہاں پہ رکھیں گے اگر اس طرح ہاتھ رکھیں گے سب اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے یہ آپ کی لوکیشن ہے یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیڈ زیرو ہے یہ لوکیشن جو ہے یہ زیڈ زیرو ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہیلو آڈینس پلیز سب لوگ ساتھ یہ بیٹا یہ اتنی اچھی ایکسرسائز بتا رہا ہوں مفت کی بتا رہا ہوں یہ زیڈ زیرو ہے اچھا اب میں نے اس تصور یہ کرنا ہے کہ مجھے کس سے نجات حاصل کرنی ہے وہ خیال ہو واقعہ ہو میموری ہو کچھ بھی ہو اور اب مجھے زیڈ سے شروع کرنا ہے زیڈ 10 سے زیڈ 0 کرنا ہے رائٹ یعنی 10 سے تھا 0 کرنا ہے مجھے تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے اپنی آنکھیں ہاتھ اور بولنا بھی ہے یعنی یہ آپ نے دیکھا یہ لیٹا ہوا آرٹ بنا ہوا ہے یعنی یہ زیڈ 10 زیڈ 0 بولنا ہے یعنی زیڈ 10 زیڈ 0 لیکن مجھے آنکھیں بھی اسی طرح گھمانی ہے لیٹے ہوئے آرٹ کی طرح پھر اسی طرح میں نے 0 پہ آنے کے بعد پھر میں نے بولنا ہے زیڈ 9 زیڈ 0 رائٹ سو زیڈ 9 زیڈ 0 اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے زیڈ 8 کہاں پہ ہے نیچے زیڈ 8 زیڈ 0 زیڈ 7 کہاں پہ ہے اوپر ہاتھ بنا ہوا ہے زیڈ 0 زیڈ 6 کہاں پہ ہے زیڈ 0 زیڈ 5 کہاں پہ ہے زیڈ 0 زیڈ 4 کہاں پہ ہے زیڈ 0 زیڈ 4 لیفٹ پہ زیڈ 4 لیفٹ پہ اوکے بیکاز میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوں زیڈ 4 زیڈ 0 زیڈ 3 زیڈ 0 زیڈ 2 ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے زیڈ 0 زیڈ 1 زیڈ 0 سارے 0 سب 0 سب 0 اوکے سو یعنی آپ نے زیڈ 10 سے زیڈ 0 پہ آنا ہے یہ مشکل لگ رہا ہے تھوڑا مشکل نہیں ہے اچھا ہاں اصل میں یہاں پہ سائڈ میں کھڑا ہوں اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوں کیا کچھ کرتا ہوں پلیز تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے ہے نا ریلی آپ کا اپنے کی ہوئی ہے شام میں یہ ابھی غائب ہو جائے گا پلیز بی وِد ڈاکٹر صاحب سو دیٹ مائی لائف اوکے اوکے پلیز بی وِد ڈاکٹر صاحب سو دیٹ خواتین جو دیکھ رہی ہیں ہم سب کو اچھی طرح سمجھ میرے سائیڈ پہ تھا نا چل میں اٹھا اچھا بیٹا ابھی ذرا تھوڑا ذرا بتا یہ کیا ہے زیڈ 0 ٹھیک ہے زیڈ 0 ہے زیڈ 10 کہاں پہ بنا ہوا ہے لیٹا ہوا 8 زیڈ 10 زیڈ 0 زیڈ 9 زیڈ 0 زیڈ 8 کہاں پہ ہے رائٹ پہ زیڈ 8 زیڈ 0 زیڈ 7 زیڈ 0 زیڈ 6 کہاں پہ ہے زیڈ 0 زیڈ 5 زیڈ 0 زیڈ 4 کہاں پہ ہے زیڈ 4 زیڈ 0 زیڈ 3 زیڈ 0 زیڈ 2 زیڈ 0 زیڈ 1 زیڈ 0 بتائیے کہاں ہے زیڈ یہاں پہ کیا ہے زیڈ 0 بتائیے کہاں ہے وہ خیال جو آپ کو پریشان کر رہا تھا وہ خیال سوچیں ٹھیک ہے وہ خیال سوچیں وہ کریونگ سوچیں جو چیز کھانے کے دل کر رہا ہے وہ اپنے سامنے رکھیں یہ چارٹ سامنے رکھیں اور پھر ایکسرسائز کریں اور جتنا آپ فاسٹ ہوتا کیا ہے شروع کے اندر آپ کو ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں ہاتھ بولنا ہے اور آنکھیں گھمانی ہیں زیڈ 0 پہ آنے کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھی ہوئی ہوگی آپ کو وہ اٹریکٹ نہیں کرے گی کیا سائنس ہے سائنس بڑا سمپل ہے میرے سسٹم کے اندر ایک چیز آئی ہے اور مجھے اس سسٹم کو اپنے ایسے پش کر کے نکالنا ہے اچھا ہر وہ چیز جو میرے معدے کے نظام کو میرے میٹابولک جس کو نظام تحریری کہتے ہیں اس کو اور میری قوت مدافعت کو مضبوط کرے گی وہ جب کرے گی جب میں اسپیس دوں گا یہ اسپیس مجھے یہاں سے نکالنی ہے یعنی یہ ان پٹ ہے یہاں سے مجھے پش کرنا ہے یہ خیال بھی پش کرنا ہے تو مجھے پش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اپنے سسٹم کو یہ سکھانا ہے کہ جس سے میں کہاں کہاں خیال ہے اور کہاں سے اس کو مجھے باہر نکالنا ہے سو جب میں یہ آنکھیں استعمال کرتا ہوں آواز استعمال کرتا ہوں اور اپنی جسم استعمال کرتا ہوں جس کو ہم ویژول آڈیٹری کینستھیک کہتے ہیں یہ میرے سسٹم خالی کرتا ہے آپ اپنے فون خالی نہیں کرتے نئی میموری ڈالنے کے لیے آپ اپنے ہارڈ ڈسک خالی نہیں کرتے نئی ڈالنے کے لیے تو آپ اپنے جسم کو خالی کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ خالی کرنے کے لیے شعور جانے نہیں دیتا نا کیونکہ ہم اموشنلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کرنی ہے تو اگر
अगर हमें कोई बंदा तकलीफ देता दी हुई है, कोई लफ्ज है, जुमला, कोई कोई वो लफ्ज जेड, अच्छा। वो बंदा जेड है, यानी तस्वर में मैंने क्या किया, देखिए ये कंटेंट फ्री है ना, ठीक है, मुझे ये बताना नहीं है सासू मामों को आप जेड है, ठीक है, या कुलिंग मेरे जो है वो जेड है, ठीक है, मुझे ये पता है, इसको तो पता है ना, आपको मैंने क्या कहा, इसको असल और नकल का नहीं पता, ठीक, इसको ये मालूम है कि माँ ने ये बात कही थी, चोर ने ये बात कही थी, वो उसका जेड है जो उसको उसको निकालने नहीं दे रहा, ठीक, अगर ये नहीं निकलेगा और जिस्म में रहेगा ये जिस्म फूलेगा, बिल्कुल सही, ये जिस्म जो है वो फूलेगा। सो लेडीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप, थैंक यू डॉक्टर साहब, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। 5 सेकंड रूल, हां बता दो वो क्या, कोई भी चीज देखें ब्रेन हम डाइवर्ट करने के लिए इमीडिएटली डाइवर्ट करते हैं तो उसमें हमारे एफर्ट्स बहुत लगते हैं, तो स्विच ऑन एंड ऑफ करना बहुत सारे लोग के लिए ईजी नहीं होता, तो अगर आपने स्विच ऑन, जैसा मेरे सामने मैं स्वीट टूथ हूँ, जैसे मैंने कभी भी मुझे टेंशन या स्ट्रेस हो जाए तो मुझे बस कुछ आइसक्रीम ला दो, मीठा ला दो, चॉकलेट्स ला दो, किटकैट ला दो, कुछ भी ला दो, तो व्हाट आई डू सिंपली आई काउंट 1 to 5 लाउडली, 1, 2, 3, 4, 5, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई गिव अनदर थॉट टू माई ब्रेन, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई नेक्स्ट मीटिंग, अच्छा वो इमिडिएटली चेंज हो जाता है। अच्छा, यानी आपने जो भी चीज़ आपको उस वक्त दिल कर रहा है कि बस ये करनी है, हाँ, आप 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि ब्रेन को रेस्ट दे दिया ना मैंने, ठीक है, गिने और अपने ज़हन को किसी और तरफ डाल दें, डाल दिया, तो वो मेरी वो वहाँ से क्रेविंग, वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट होगी। फॉर एग्जांपल मेरी एक मीटिंग है उसमें मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैंने उस बंदा मुझे जहर लगता है, ये बंदी मुझे जहर लगती है, हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप बिजनेस इन्वायरमेंट में हैं या आप लाइफ इन्वायरमेंट में हैं या फैमिली इन्वायरमेंट में है, सास तो सास ही रहेगी ना, लेकिन आपने उनके साथ डिनर पे बैठना भी है, मिलना भी है, तो आपने 5 तक काउंट किया, अपने आपको रीसेट किया, सेट कि आई एम सो एक्साइट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उनके साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खाऊंगी, वाह कितना मजा आएगा, हाँ ठीक है, तो वो टेंशन जो है कि उफ़ अल्लाह मेरे सामने बैठेंगी अजाब जिंदगी का होगा, सोच बदल पिक्चर चेंज की, ये पिक्चर ये जो एक्सरसाइज है ये क्या, इसका सबसे पहले क्या चीज़ सिखाई, इसको पॉज, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट इमोशन रश हो रहा है ना, ठीक है, और उसकी वजह से इंसान कुछ कर रहा है, तो ये जो शांति ने बात बताई कि 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या हुआ, पॉज, ठीक है, तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 पहले तो पॉज हो गया, अच्छा पॉज के बाद आपने जो थॉट, इससे जहाँ तस्वीर चेंज करनी है ना, हाँ। देखिए मेरी वालदा दुनिया से चली गई, मैं कभी भी नहीं कह सकता कि किसी को भी कि ऐसा करो अपनी माँ को भूल जाओ, कैसे भूल जाएगा, राइट, लेकिन मेरी वालदा के साथ यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक तस्वीर वो है जब 22 दिन वो ICU के अंदर थी और मैं बाहर बैठा हुआ था, जब मैं ये तस्वीर यहाँ पे चलाऊंगा तो लाजमी तौर पर यहाँ आंसू बहेंगे और मैं एक मनफी कैफियत में हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारी यहाँ पे डेटा है जिसके अंदर जब मैं मैट्रिक में था, जब मैं मेरी शादी हुई, जब मेरी माँ ने मेरे बेटे को अपनी गोद में उठाया, वो सारे वो थे जब माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो मुझे वो सिर्फ तस्वीर बदलनी, यानी मुझे वो तस्वीर बदलनी है, अच्छा इसको असल और नकल का नहीं पता, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब आपने शुरू में बात कही थी कि जब मेरी तस्वीर सेहतमंद पुरकशिश और जाजिब नजर की मैं तब्दील करूंगा उस टाइम के ऊपर, तो उसने उसके बदले ये तस्वीर लगानी है, ठीक है, उसने उसके बदले ये तस्वीर लगानी है, यानी मुझे पॉज करना है और मुझे तस्वीर बदलनी, ओके बिल्कुल सही, सो मच मोर टू कम, ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम बहुत सारा कुछ और आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। डॉक्टर इमरान यूसुफ आज मेरे साथ हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वजन कम करने का ताल्लुक सिर्फ डाइटिशियन से और एक्सरसाइज से नहीं होगा, आपके दिमाग से है, आपके इमोशन से है, आपकी फीलिंग से है, जब तक आप अपने आप को क्लेंज इन जगहों पे भी नहीं करेंगे, डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो अपने आप वजन से भी ज़ायद वजन से या फिर डिप्रेशन से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे, ये मैंने अब तक के प्रोग्राम का बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो ख्यालात जो जज्बात और एहसासात में तब्दील हो चुके हैं और वो आपके जिस्म में फिजिकल स्पेस रख के बैठे हुए हैं, पर डॉक्टर साहब ये सिर्फ ये करने से निकल जाएगा, देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मसला है वो कितना सीवियर है, अगर कोई समझता है कि ये तो होम रेमेडीज है और आपको मालूम है कि अगर हमें घर में कोई सर में दर्द होता है तो हम पहले होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, फिर दवाई लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे और फिर स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं, यही जो है जैसे शांति का जो है वो केस था कि ये मैंने क्या कहा, बाज़ दफ़ा तो शऊरी तौर पर हमें याद है
कि हमें क्या किस वजह से हमारे अंदर ये हो रहा है, बाद में वो इतना पहले होता है कि हमें वो याद भी नहीं होता, लेकिन वहाँ डेटा तो है ना मौजूद। आपको मालूम है आप सारे दिन में कितना डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, इतना डेटा जो आपने देखा भी नहीं है, लेकिन फोन हैंग हो रहा है। आपने कहा ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, फिर भी फोन हैंग हो रहा है, क्योंकि इतना डेटा ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है जो आपको मालूम भी नहीं है। तो चार महीने जब आप माँ के पेट में थे, जब से डेटा डाउनलोड हो रहा है, जो माँ के खौफ थे वो आपके ऊपर ट्रांसफर हुए हैं, जो माँ के मसाइल थे वो आप पे हुए हैं, जो माहौल के हुए वहाँ पे हुए हैं, और ये सारा वो डेटा है जिसको बाहर निकालना है। तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेज से नहीं निकाल सकते, तो फिर प्रोसेस क्या होता है कि हम जिसको हम डीप प्रोसेस कहते हैं, जो सब्जी का सेशन हुआ था, कि हम आपको फिर आज के दिन से लेके पीछे लेके जाते हैं, और हम वो बकायदा जैसे हार्ड डिस्क क्लीन करते हैं, हम वो वहाँ से वो सारे वाकयात को निकालते हैं। बाज़ा वो वाकयात तल्ख भी होते हैं, बाज़ा ऐसे होते हैं कि जिस तरह और बंदा वो उस कैफियत से गुजर रहा होता है, जैसे मैं मजाक में उसको कहता हूँ कि वो मेरे रिक्लाइनर के पैसे तो भेज दो जो तोड़ दिया था आपने। इनको मालूम नहीं था, क्योंकि ये उस वक्त एक सजेस्टेबल डीप प्रोसेस स्टेट में थे, और वो ज़ाहिर है वो रिक्लाइनर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि इतना कुछ था, इतना कुछ था। जब वो बाहर निकला, जब वो बाहर निकला तो वो ब्लॉकेज खत्म हो गया, और ये जो इतना सडन ट्रांसफॉर्मेशन आई वो इसलिए आई कि वो ब्लॉकेज खत्म हुआ। अब जब इन्होंने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, समझदारी से खाना शुरू किया, समझदारी से चलना शुरू किया, तो उसने काम करना शुरू किया। इससे पहले सब कुछ कर रही थी। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये कि एक क्लियर हमें समझ में आ गया, हमें खाने को स्टॉप कराना है, हमें क्रेविंग को रोकना है, और हमें अपने उस तहलीली निज़ाम को जो ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करता है उसको मुतहर्रिक करना है। और ये कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे है, या तो हम उसको उस सजेस्टेबल स्टेट में ले जाके जैसे इनका सेशन हुआ वहाँ से ही सारी चीज़ों को इंस्टॉल करें, या आप हमारे पास स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी पे कराची के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम डायरेक्ट स्टिमुलेशन जो है वो देते हैं और इन चीज़ों को हम साथ साथ कमाएं। यहाँ से बेटा अगर मुझे ये कप उठाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 155 कमांड चलते हैं, उसमें से एक भी मिस होगा कप नहीं उठेगा, एक भी गलत मिस होगा तो भी कप नहीं उठेगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ एग्जैक्टली पता है कि ये जो क्रेविंग हो रही है यहाँ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को चाहिए, काम कर रहा है। अब हमें कंप्यूटराइज दुनिया के अंदर आ गए, टेक्नोलॉजी में आ गए, हमें वो लोकेशन पता है, हम उस क्रेविंग को रोक सकते हैं, हमें ये पता है कि कौन सी चीज जो है हमें इस वक्त उभार रही है, हम उसको वहां पे जाके उसकी स्टिमुलेशन कर सकते हैं। तो ये वो दो प्रोसेस है जिसके ऊपर हम जो है फर्दर जब तो आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आप छोटी प्लेट उठाना शुरू करते हैं, या फिर आप मतलब पोर्शन जितना है अगर आप उसको छोटी प्लेट में रखेंगे ना तो आपको बड़ा लगेगा। बड़ी प्लेट में जब हम और हम बड़ी प्लेट्स यूज करते हैं ऐसे ही, आजकल आप जहाँ भी जाएं तो खाने के लिए बड़े बड़े प्लेटर्स, उन्होंने प्लेट उठाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज वन थिंग। देखिए इसके अलावा क्या है, तीन तीन फैशन के नाम पे तीन तीन प्लेटें भी हैं, राइट? देखिए ये बड़ी है, अगर हम तो हम समझते शायद बड़ी मायूब बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक प्लेट में अगर दो खाना खाएं तो तीन के लिए काफी होता है। हम उस बरकत के कॉन्सेप्ट से भी हम हो गए। हमने क्या किया, हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है आप अपना खाना खाओ। अच्छा एक और भी चीज होती है, खाना नहीं खाओगे तो अल्लाह बाबा आ जाएगा, यानी हम उस खौफ से उसको खाना खिला रहे होते हैं। तो यही इशू होता है कि जब हम किसी खौफ की कैफियत में होते हैं, जैसे फजीला ने कहा था खुशी में भी हम खाने के टूटते हैं, हम खौफ में भी खाने की तरफ टूटते हैं। जिस्म की दो ज़रूरियात हैं, जिस्मानी भूख, जज्बाती भूख, ठीक है, दो ज़रूरियात हैं। जज्बात को जज्बात से निकालना है, यानी आपको इस प्रोसेस से बाहर निकालना है। जज्बात का इलाज खाना नहीं है। अगर जिस्मानी ज़रूरत है और अगर हमने खाना नहीं खाया तो वो डाइटिंग है, और ये वो डाइटिंग है जिसके ऊपर जिस्म ये समझता है कि मुझे बॉडी के अंदर रिस्टोर करना है। ऊँट की मैं एग्जांपल देता हूँ, ऊँट को ये मालूम है कि मुझे 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, वो खाना कुहान में स्टोर करता है, जिसको अब चर्बी कहते हैं, ठीक। यही जैसे हम जिस्म को जरूरत है, आपने डाइटिंग की, जिस्म के अंदर सिग्नल क्या आता है, शायद इसको आगे जरूरत होगी इसलिए स्टोर कर लो, ठीक। वो स्टोर क्या करता है, वो सारे फैट्स को स्टोर कर लेता है, ठीक। और जब हम ये डाइटिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारा लूज हो रहा होता है ना, वो मसल लूज हो रहा होता है, ठीक है, और वो इसीलिए वो वापस आता है। इसका जो क्विकली मैं खाली इसे ऐड कर दूं, इसका बहुत आसान, जब आपको भूख लगे, कोई भी भूख लगे, उसका टेस्टर बहुत सिंपल है, और ये सुन्नत भी है। टेस्टर ये है कि आपको अगर भूख लगी है तो या कोई चीज का दिल कर रहा है, क्रेविंग हुई है, आपने आधा गिलास पानी पी पहले ठीक है, आधा गिलास पानी के बाद अगर भूख लग रही है लाजमी खाना खाएं, लाजमी खाना खाएं, और इसी तरह खाएं जितने जो पूरे हमने प्रोग्राम में बताया, ठीक। और अगर नॉर्मली क्या होगा, अगर ये इमोशनल क्रेविंग थी तो पानी के बाद ये नहीं लगेगी, ठीक। तो बड़ा कितना सिंपल टेस्ट है, आधा गिलास पानी पे आप फैसला कर सकते हैं कि मुझे ये कौन सा भूख है और मुझे खाना है या नहीं। बिल्कुल सही। सो एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर मिलते हैं।
خوش آمدید جناب. آج ہم نے آپ کو بتایا کہ وزن کم کرنا کیسے آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر کے کر سکتے ہیں. اب ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے روزانہ رات کو سوتے ہوئے لاشعور کو یہ فیڈ کرنا ہے کہ میں دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں, صحت مند, پرکشش. کیسے؟ دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تصویر بنائی ہے نا, ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے. بچے ہوں یا جو یہاں پہ ہوں, دیکھیں, ایک تو میری وہ تصویر ہے جو میں ابھی ہوں, جو اصل ہے, اصل ہے, اور ایک وہ ہے جو مجھے بننا ہے. اسی لیے آپ نے پورے دو گھنٹے کا پروگرام کیا کہ آپ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں. تو جو آپ نے بننا ہے اس کی تصویر بھی تو یہاں ذہن میں ہے. میں بھی بچوں سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ پارلر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے تصویر ہوتی ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. اگر وہ اس حساب سے آپ کے لیے کام نہیں کرتے تو آپ فوراً کہتے ہیں ایسا تو نہیں کہا تھا. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تصویر تھی نا, تصویر تھی. تو اب یہ ہے کہ ایک میری یہ تصویر ہے اور ایک وہ تصویر ہے جو مجھے بننا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ تصویر جو ابھی آپ ہے, یہ آپ کی ابھی کی تصویر ہے جس کو ہم پکچر ون کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ پکچر ہے جو مجھے بننا ہے. ٹھیک ہے, یہ پکچر بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ جیسے فرح کنٹینیوسلی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ مووی ہونی چاہیے کہ یہ جاذب نظر, صحت مند, پرکشش, میں ہوں کیسی, دکھ کیسے رہی ہوں, نظر کیسے آ رہی ہوں, لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, میں خود کو اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں, یہ وہ فیل کر رہی ہوں, یہ وہ تصویر ہے. تو یہ میری پکچر ون ہے, یہ میری پکچر ٹو ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میری کلیئر ہے, یہ بھی میری کلیئر ہے. ہم کمپیوٹر کے اوپر اسکرین چینج کرتے ہیں, دو اسکرین کھولتے ہیں, ایک کو پر کلک کرتے ہیں دوسری سامنے آ جاتی ہے. اب کہنا کیا ہے, پکچر ون, پہلے میں نے پکچر ون سوچنا ہے, پھر میں نے پکچر ٹو, اور پکچر ٹو کہنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, سوئچ کرنا ہے. پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ بولنا بھی ہے نا بیٹا. پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. اسی طرح اسی کے اوپر کیا کریں گے, یہ پکچر ون ہے, پکچر ٹو دور ہے, یعنی پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. اتنی دفعہ یہ دہرانا ہے کہ آپ سوچے پکچر ون, آئے پکچر ٹو. ٹھیک ہے, اتنی دفعہ دہرانا ہے, پانچ, دس, پندرہ, بیس, پچیس, پچاس, پانچ سو, پانچ ہزار. اتنی دفعہ پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. جب آپ سوچے پکچر ون, آئے پکچر ٹو, اس کو آپ نے یہ بتا دیا کہ مجھے جانا کہاں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ باہر جائیں, ٹیکسی روکیں اور وہ آپ سے پوچھے آپ کو کہاں جانا ہے, اور آپ کو نہ پتا ہو تو آپ کو کہاں لے جائے گا, کہیں نہیں. اس کو بتانا پڑے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے. بالکل, پکچر ون, پکچر ٹو, سوئچ. رانجھا رانجھا کر دی, نہیں میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ ہماری ایکسرسائز میں شامل ہے. وائننگ آپ جاتے جاتے کوئی ایسی چیز چاہیے جو آپ شیئر کرنا چاہیں, وہ سب خواتین جو آپ سے انسپریشن لے کے وزن کم کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے لیے کریں, اپنے لیے, صرف اپنے لیے کریں. کسی سوسائٹل پریشر میں, کسی کے کسی اور کے لیے, خاندان والوں کے لیے, محلے والوں کے لیے, رشتہ دار والوں کے لیے کریں, صرف اپنے لیے کریں, اپنی ہیلتھ کے لیے کریں, اور اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے. ٹھیک, عمیرہ ہیل, کوئی ٹپ, کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو؟ اچھا سر, یہ کہنا چاہوں گی کہ ویٹ سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کھانا چھوڑ دینا. کھانا کبھی نہیں چھوڑنا, کھانا کھانا ہے, لیکن دیکھ کے کھانا, آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, خواہش پہ نہیں جانا ہے, ضرورت پہ جانا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے. تو اسی کہ جب ہم کھانا چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, وزن نہیں کم ہوتا ہے, ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ عمیر اہل سے ہم نے آج ٹپس نہیں لی. اسٹے ٹیون کل کے پروگرام کے لیے, کل کے شو میں, کیونکہ ہم خوبصورتی, بال, ایشو سارے جو ہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ کو ریمیڈیز بتائیں گے, تو عمیر اہل سے بھی لیں گے اس بارے میں. جی فضیلہ, دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزن آپ جو میرا ہیل نے ٹپس بتائیں اس سے بھی کم کر لیں گے, یہ ایکسرسائز بتائیں اس سے بھی کم کر لیں گے. ہمیشہ اگر اسے سسٹین کرنا چاہتے ہیں نا, تو اپنا گول بہت اچھا بنائیں. گول ایسا بنائیں جو لانگ ٹرم ہو, یعنی لائف اسٹائل چینج کا گول بنائیں. اگر شارٹ ٹرم گول بنائیں گے کہ صرف شادی کے لیے کرنا ہے, رشتے کے لیے کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ ایونٹ ختم ہوگا, آپ دوبارہ سے کھانے پینے کی طرح واپس آ جائیں گے. صحت مند رہنے کا گول لانگ ٹرم گول. لانگ ٹرم دیکھیے, میں ایک جملے میں کہوں گا کہ مجھے بڑا یہ فخر ہے کہ زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے میں جو کچھ پچھلے 20 سال سے سکھا رہا ہوں, اور آج بھی میں نے جو سکھایا ہے, یہ سب کا سب میں نے سیرت طیبہ سے سیکھا. ویری گڈ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پلیسبو افیکٹ, کہ بعض اوقات آپ کی فیتھ ہیلنگ بھی ہوتی ہے. آپ کسی چیز کو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ہوگا, میں نے دعا مانگی ہے, یہ انشاءاللہ مجھے ملے گی, میں نے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پھل دے گا, میں محنت کر رہا ہوں, میری خواہش ہے, میری خواب ہے, یہ مجھے مل کے رہے گا. یقین کیجیے, نیچر اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے وہ آسان کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.